BJP's Prime Ministerial Candidate Narendra Modi speaking at the moment. Ghen Ailya Tyabadal Tumka Sagala Goyankaranka Mana Karjachan Yevkar Ani Maye Moghacho Namaskar. भाइयों बहनों, इस देश में टीवी मीडिया का ध्यान गोवा की तरफ जाता नहीं है। कोई दुर्घटना हो जाए तब तो गोवा की खबर देखने सुनने को मिलती है, लेकिन सादगी, शुचिता और गोवा के विकास के लिए पूर्ण समर्पण, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपने ऐसी सरकार चुनी है, मनोहर पर्रिकर जैसे ऐसे नेता को चुना है और इसलिए गोवा के नागरिक लाख लाख बधाई के पात्र हैं। मुझे पता चला इस रैली में आने के लिए 5 रुपया शुल्क रखा गया था। मैं पार्टी के अध्यक्ष जी का, मनोहर पर्रिकर जी का इस बात के लिए आदर करता हूं कि उन्होंने ये जो 5-5 रुपया रकम आई थी, ये सारे पैसे उस इमारत के हादसे में जो मारे गए परिवार हैं उनको समर्पित करने का निर्णय किया और उस पुण्य कार्य में मुझे भी शरीक किया। समाज के प्रति संवेदना कैसी हो, अपने यहां काम करने वाले दुखियारों के प्रति। और जब मैं टीवी पे देख रहा था उस हादसे के समय, मनोहर पर्रिकर जी खुद मैदान में खड़े रह करके एक इंजीनियर के नाते उनके पास जो कौशल्य है उसका प्रत्यक्ष उपयोग करते हुए काम में जुट गए थे। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। हम लोगों को पार्टी ने इस प्रकार से तैयार किया है, हम लोगों को सिखाया है कि जनता के दुख में दुखी, जनता के सुख में सुखी। और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्टी के रूप में भी विशिष्ट छवि बनाई है और एक सरकार के रूप में भी विकास की दृष्टि से अमिट छाप छोड़ी है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज की इस स्पर्धा का जो युग है, आज जो राजनीति में लेना पाना बनना, ये कांग्रेसी कल्चर की जड़ें इतनी जमी हुई है, ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी जैसा एक दल हो जो
मनोहर परिकर जी जैसे सामान्य परिवार के, मुझ जैसे अत्यंत गरीब परिवार से ऐसे व्यक्ति को पार्टी नेता के रूप में पसंद करे, उनको कार्यभार दे, कुछ लोगों को ये दिखाई दे या न दे, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन न होता, भारतीय जनता पार्टी जैसी चरित्र और कार्यशैली न होती, भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता, तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न होता। कोई कल्पना तो करिए, ये पार्टी की सोच और ताकत क्या होगी, तो गरीब परिवार से एक बच्चे को उठा करके उसे तैयार करें, उसको सामर्थ्यवान बनाए और देश की सेवा के लिए उसे अपना नेता बनाए। भाइयों बहनों, ये इस पार्टी की ताकत है। आप हमारे शिवराज जी देख लीजिए, आप हमारे रमन सिंह जी देख लीजिए, हिमाचल के हमारे मुख्यमंत्री रहे धूमल जी को देख लीजिए, सामान्य जीवन जीने परिवारों के बच्चे निष्ठा, पवित्रता, समर्पण के साथ मातृभूमि की सेवा में लगे हैं। और आज जब स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती का समारोह पूरे देश में हो रहा है, पिछले साल पूरे देश में अनेकविध कार्यक्रम चले, वो स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर आज गोवा में इतना बड़ा समागम, ये अपने आप में हिंदुस्तान के सामान्य व्यक्ति ने जो उसने मन बना लिया है, उसने जो फैसला कर लिया है, इसका ये जीता जागता सबूत है। भाइयों, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सदा सर्वदा से निकालने का मन बना लिया है। कांग्रेस मुक्त भारत ये भाजपा का नारा नहीं है, ये जन जन का संकल्प है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिंदुस्तान ने, यहां के कोटि कोटि जनों ने कांग्रेस मुक्त भारत ये संकल्प ले लिया है। और जब मैं कहता हूं कांग्रेस मुक्त भारत, इसका मतलब है कांग्रेस नाम का एक संगठन नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सिर्फ नेता नहीं, कांग्रेस एक कल्चर बन गया है, एक विकृत व्यवस्था बन गई है। हिंदुस्तान की रगों में 60 साल में भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न दलों के माध्यम से, भिन्न भिन्न नेताओं के माध्यम से वो विकृतियां भारत की रगों में फैल चुकी है।